कपकोट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कमला दानू द्वारा उत्पीड़न तथा अवैध वसूली के संबंध में वायरल किए गए वीडियो पर प्रशासन ने जांच के साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कमला दानू के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई तय है जिन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। डीएम के आदेश पर मामले की जांच कर रहे सीडीओ आरसी तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की अपनी आचरण नियमावली होती है, उसी के तहत उन्हें आचरण करना चाहिए। खुद ही वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में जारी करना गलत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी गहनता से जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी कमला दानू का नमस्कार। दीदी आप लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं आप लोगों का मतलब आप लोगों का साथ चाहती हूँ। मेरे साथ अभद्र विहार के लिए यहाँ आके मेरा आज जो है मैं केंद्र में थी। मेरा जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसके चक्कर में मेरे को बहुत मतलब परेशान किया जा रहा है। कभी पुलिस वालों पता नहीं कौन है क्या है, कोई अन्य आदमी से भी धमकियाँ दी जा रही है, लेकिन आज तो हद होगी। मेरा इस मतलब वीडियो बना है इसने ये बनाया करके मेरा आज निरीक्षण किया गया। तो मेरे केंद्र में आए, ये आए करीबन 12:15 बजे। तो इन लोगों ये लोग पहुँचे, ये मैडम पहुँची हमारी, हंसी अठानी सुपरवाइजर है हमारी, सेक्रेटरी सुपरवाइजर है मेरी। तो वो पहुँची तो यहाँ पर मैंने कहा मैं ये जो यहाँ पर ये है मेरा ये वो जो है ये इतने कैसा कर रहा है, ये यहाँ पर ये टूटे हुए हैं सरिया हरिया, ये दरवाजे में जो है कुंडी भी करते हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा नज़दीकी घर है मेरा, यहीं पर मैं रजिस्टर रखती हूँ। दो चार रजिस्टर रखती हूँ स्कूल में चाहिए, क्योंकि उनको भी डरे डरे रखती हूँ, क्योंकि विभागीय कार्य हुए हैं। तो यहीं पर बगल में घर है, मैंने कहा वो यहाँ आई, पता नहीं मैं एक बच्ची बीमार हुई थी उसको पहुँचाने के लिए यहीं पर बैठी थी। तो मैंने कहा बाहर पर तब भी बैठे रहूँगी करके, बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण मैं उसको पहुँचा के वापस आई। जैसे जैसे इन्होंने मेरा फोटो खींचा, वीडियो बना मतलब फोटो खींच के मैं बोल रही थी तुम ऐसा काम करते हो, तूने वहाँ वीडियो बनाया, तेरे को ऐसा कर देंगे, अधिकारी के साथ पंगा लिया तूने, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मेरे सरकारी यहाँ पर सबूत के तौर पर ये भी यहीं बैठी है, ये देखो ये भी है, बेचारी परेशान है, सभी परेशान है, ये भी रो रही है बेचारी, क्योंकि स्कूल में होते हुए काम करते हुए इस विभाग का काम करते हुए ये विभाग मेरे से ये क्यों नहीं पूछता कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है। देखो मेरे पास सब लोग देखे कि मेरे पास बिठाने के लिए चटाई नहीं है, देखो ये घर से चटाई ला के बच्चों के स्कूल में मतलब बच्चों को बिठाते हुए इस चटाई में, यहाँ बिठाने के लिए कोई चटाई विटाई नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था है ना, टेबल है ना कुर्सियाँ हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये ऐसी चीज़ें ऐसी दशा हमारी हो रखी है इस में जो है, मुझे मीडिया और प्रेस कंप्लेंट करना चाहती हूँ। मैं मीडिया वालों को भी बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतनी ऐसी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, क्योंकि मेरा एक वीडियो जो हुआ था रिकॉर्ड हुआ था वो चले गया, पता नहीं वायरल हुआ क्या हुआ, ये इसके बदले में मेरे को इतनी सुनाने पड़ते हैं, कौन है क्या है, विभाग हमारा साथ देगा तुम्हारा क्यों देगा, ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर आके, विभाग तुम्हारे साथ क्यों देगा, तुम्हारे क्या लगते हैं विभाग वाले, तुम तो हमारे नीचे के अधिकारी हो, हमारा साथ देगा विभाग करके, ये भी बोला गया है मेरे को, इतनी धमकियाँ दी गई हैं यहाँ आके, क्या क्या बोल दिया इन लोगों ने आके, हैं वहाँ तुम बदतमीज हो, ये हो सो हो, ऐसा क्यों कर हैं, ऐसा वीडियो क्यों डाला तुमने, ये करके मैंने कोई किसी का ऐसा वीडियो नहीं डाला, अपने पर बीती हुई बातों को सुनाई। मेरी बहनों और मेरे को, मैं ब्लॉग अध्यक्ष हूँ, बहनों मेरे से बोलती हैं दीदी ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं तो ये हो रहा है, तभी मैं सुनाती हूँ। लेकिन बीच में आप लोग देखो मेरे साथ इतने जुर्म हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है यहाँ, बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं कल नीचे आना चाहती हूँ। मेरे को जो है मेरे को हर व्यवस्था मतलब वो दी जाए कि मुझे वहाँ आने तक मेरा मेरे को कोई, मुझे ये भी डर है कि कहीं ये लोग ऐसे में मेरे को कुछ नुकसान न पहुँचा दें, ये इसलिए मैं जो है मैं आप लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ जो ड्यूटी करके, और मेरे को इतना टॉर्चर दिया, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसमें जो है मेरी क्या कहती है, मैं केंद्र में हूँ, अभी भी केंद्र में हूँ, अभी कितना समय हो रखा है, इस समय मैं केंद्र में हूँ, केंद्र में होने के बाद क्योंकि मेरी
हाथों संख्या कम है, बच्चों की संख्या कम है, एक दो तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में से दो बीमार पड़े, तो दो तो स्कूल में अभी खाना खा के गए हैं, अभी खाना खिलाया मैंने। छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा लेट रखूँगी, उनको उनकी तबीयत खराब हो जाती है, धूप लगी है, बोला हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मैडम घर पहुँचा दो, मैंने उन बच्चों को घर पहुँचा दिया। ठीक है, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे छोटे छोटे बच्चों पर, तो इन्होंने बताने क्या क्या कह दिया। देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो शासकीय कर्मचारी होती है, यदि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उन्हें अपने ऊपर सुपरवाइजर और उससे ऊपर CDPO, उसके ऊपर DPO, उसके ऊपर CDO किसी को बताना चाहिए था कि उनके साथ ये दिक्कत है। वो सीधे मीडिया में चले गए, फिर भी हमने उसका संज्ञान लिया है। तो प्राथमिक जांच में जो है मीडिया जो उन्होंने बातें कही वो सब निराधार पाई हुई हैं, उसमें कोई तथ्य है नहीं। और डिटेल जाँच करने के उद्देश्य से हमने उन सारे चार के चार कर्मचारियों को जनपद में अटैच कर दिया। ऐसे कर्मचारियों से जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको क्या आदेश का कहना है? नहीं, बड़ा स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अनुशासनहीनता करेगा, जो हमारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसके प्रतिकूल जाएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। उसमें एक विधिक प्रक्रिया है कि पहले उसको आरोप पत्र दिया जाएगा, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसका भी पक्ष सुना जाएगा, फिर उसको दंडित किया जाएगा। इस मामले में भी हम यही प्रक्रिया अपना रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें गलत सलत भ्रामक सरकार की छवि खराब करने वाली जो लोग अपने वीडियो बना के वायरल हुए उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करने का भी प्रोविजन है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं अगर देर से कोई दिक्कत हो। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।